मैं ये समझता हूं कि बीच बीच में जो बड़ी पॉइंट्स की बातें की हैं, अगर वो चलते चलते सिर्फ एक बात याद रह गई कि बेटियों के लिए दरवाजे उसी वक्त खोले जाएं जब उनके साथ उनका शौहर हो, अगर सिर्फ इसी पर इस मुआशरे ने अमल कर लिया तो 70% मैं समझता हूं कि वो मुकदमात आज गैर मुस्लिमों के यहां नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। समझ रहे हैं आप? संभालो अपने आप को। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मालूम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40,000, अभी अभी अखबार में ये रिपोर्ट आई है, तकरीबन 40,000 मुस्लिम लड़कियां अपना मजहब बदल के खिंजीर खाने वाले, शराब पीने वाले गैरों के साथ अपनी रातें गुजारती हैं, अपना धर्म बदल चुकी हैं। आप ये समझते हैं कि इस बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा? रब्बे काबा की कसम, यह सवाल आपसे भी किया जाएगा मैदान महशर में। खुद कमाया खुद खा लिया तो कोई कमाल नहीं है। खिला के खा मेरे भाई, तेरी सेहत बाकी रहेगी। पिला के पीने की कोशिश कर, तेरे बच्चे कभी प्यासे नहीं रहेंगे। फूहड़ और बदतमीज तहजीब के चराग को बुझाने की मेहनत कर, कोशा रहे, इंशाल्लाह तेरी उजड़ी हुई तकदीर को अल्लाह संवारने वाला है। समझ गए?